कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरूनगर भिलाई में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रज्ञोत्सव जो कि विगत 2013 से अनवरत वृहद रूप से प्रत्येक वर्ष अत्यंत सफल रूप से संचालित होता चला रहा है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी 2024 में भी भारतीय सांस्कृतिक व कलाओं को संजोते हुए प्रज्ञोत्सव का आयोजन वृहद रूप से किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सुबह से लेकर रात्रि तक प्रतिभागी अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने इस मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। इसी कड़ी में इस साल भी कृष्णा पब्लिक स्कूल में नेशनल लेवल पर सांस्कृतिक प्रज्ञोत्सव का शुभारंभ 17 अगस्त को किया गया, जो 26 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों से आए कलाकार यहां पर मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। प्रज्ञोत्सव कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर में 17 तारीख 17 अगस्त से लेकर के और 26 अगस्त तक हमने रखा है। और इस प्रज्ञोत्सव के कार्यक्रम में को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें कि हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सारे रखे गए हैं, जैसे कि आपकी नृत्य, संगीत, इन सब की विधाओं का समावेश किया गया है। नृत्य में कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, बॉलीवुड स्टाइल, इसके समूह एवं एकल प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। इसी तरीके से हमारे विभिन्न जो वाद्य यंत्र हैं उनका भी यहाँ पर हमने बच्चों का कंपटीशन रखा है। इसके अलावा ग्रुप सॉन्ग और एकल सॉन्ग, ऐसे भी हमने प्रतियोगिता का यहाँ पर रखा है अपने स्कूल में। और ये जो प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता हमारे कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, डांस एंड फाइन आर्ट्स, जो कि खैरागढ़ से संबंधित है, और कृष्णा पब्लिक स्कूल एवं कई सारे मीडिया चैनल्स जैसे एशियन और या और भी आराध्या न्यूज़ और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी हैं, उनका भी हमें बहुत सहयोग प्राप्त है। और ये जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न प्रांतों से भी बच्चे आते हैं और अपनी अपनी जिस विधा में वो अपना कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, उसमें उस दिन वो यहाँ पर आते हैं और अपना यहाँ पर अपना प्रस्तुतियाँ देते हैं। इस प्रतियोगिता की में जो विनर है ग्रुप और एक जो सोलो है, उसमें लगभग 5 लाख की संपूर्ण राशि का हम वितरण करते हैं और कृष्णा अवार्ड को भी हम देते हैं। एक और चीज़ हम सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चा यहाँ से कोई ना कोई, उनको उनके प्रोत्साहन के लिए उनको कोई ना कोई प्राइस ज़रूर मिले, इसके अलावा कि वो अपनी इस विधा को जिसमें वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको आगे लेकर के चले। जो हम ये 5 लाख की जो हम राशि वितरित करते हैं, इसमें हम फर्स्ट आने वाले बच्चे को हम 11,000, सेकेंड को हम 7, 7.5, और न्यूनतम राशि जो है वो 3,000 की है। तो ऐसे विभिन्न विधाओं में लगभग 30 तरीके की कैटेगरीज में यहाँ पर कंपटीशंस हो रहे हैं, जिसका हम समापन 30 अगस्त को करेंगे। और इस कार्यक्रम में विभिन्न बहुत शहर के जो बहुत सारे नामी गिरामी लोग हैं, वो यहाँ पर आकर के अपना एक प्रोत्साहन कर रहे हैं बच्चों का, और अपना बहुत सारे जजेस हैं जो इसी फील्ड में हैं, जो इस प्रतियोगिता को संपूर्ण कराने में, संपन्न कराने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है जी, एशियन के माध्यम से अपील करें दर्शकों से। हाँ, मेरा निवेदन है यहाँ पे और छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी बच्चे जो किसी भी लेवल पे ऐसे कोई भी संगीत नृत्य को की विधा को सीख रहा है, वो आए। ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने में उनको बेहद मदद करेगा। और ये लगेगा कि ये हमारे अपने ही शहर का एक प्रतियोगिता है, इसको इस रूप में ना ले, ये सोचे ये इस प्लेटफॉर्म से जो बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं, आज कई बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आइए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए और अपनी प्रतिभा को निखारने में या उसका स्तर जानने में मदद लीजिए और इस प्रोग्राम को संपन्न कराइए। शहर